समझदार लोग अक्सर ये बातें जरूर कहते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो अपने शब्दों को तोल मोल के बोलो, यानी कि कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है उसका एक सही हिसाब रखो। हम जो भी बात दूसरों से कहते हैं या जो भी शब्द दूसरों को बोलते हैं, उनका असर किसी न किसी तरह से उनकी और हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है। जिस तरह किसी को गाली देने से लड़ाई हो जाती है, तो किसी से प्यार से बात करने पर दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है और सामने वाले पर उसका असर भी काफ़ी गहरा पड़ता है। जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों के दम पर लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, उसी तरह हमारे शब्द भी किसी की ज़िंदगी को बदलने या फिर बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप इस बात को बखूबी समझ जाएंगे कि किस तरह किसी की बोली हुई बातों से भी ज़िंदगी बदल जाती है। ये शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ही हमेशा पॉजिटिव और प्रेरणादायक बातें कर सकता है। इस मोटिवेशन कहानी से आप शब्दों की असली ताकत को पहचानेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, सितारे भी चमकते हैं उन्हीं के जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। एक बार एक छोटा सा बच्चा स्कूल से दौड़ते हुए आया और सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ के पास पहुंचकर उसने अपने स्कूल बैग में से एक लेटर निकाला और अपनी माँ को वो लेटर देते हुए बोला, ये मेरे टीचर ने सिर्फ आपको देने को कहा है, आप इसे पढ़कर मुझे भी बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ ने वो लेटर खोला और पढ़ा तो वो थोड़ा उदासी हो गई। अपनी माँ को उदास देख उस बच्चे ने पूछा कि माँ, उस पर क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में अच्छे टीचर नहीं है, तो कल से आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाइए और इसे स्कूल ना भेजें। उस माँ ने अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और बड़ा होकर वो बच्चा एक बहुत ही जीनियस और एक सफल इन्वेंटर बना। एक दिन अपने घर की सफाई करते हुए उस लड़के को अपने पुराने सामान में उस टीचर का दिया हुआ लेटर मिला। उसने वो लेटर पढ़ा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उस पर लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और ये पढ़ाई में बहुत कमजोर है, अब हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बेहतर होगा कि आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि किस तरह उसकी माँ के शब्दों ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की है, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बावजूद भी लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने लाइट बल्ब के अलावा और भी बहुत से आविष्कार किए, जिनकी वजह से वह अपने टाइम के सबसे सफल इन्वेंटर बने। एडिसन का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी माँ की दी गई सीख के कारण वो जिज्ञासु बने और लाइफ में सफल हो सके। ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हमें ये बात सिखाती है कि लोगों द्वारा कही गई बातों में बहुत पावर होती है। जिस तरह हमारी बातें किसी का हौसला बना सकती हैं, उसी तरह किसी का हौसला तोड़ भी सकती हैं। अक्सर लोग वही काम करते हैं जो वो सुनते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है और दूसरों को भी वही सलाह देता है। उसी तरह गलत बातें सुनने वाला व्यक्ति गलत काम करता है और दूसरों को भी वैसी ही सलाह देता है। हम जिस तरह के लोगों की बातें सुनते हैं, हमारा मन भी वैसे ही हो जाता है। अपनी माँ की बातों की वजह से ही एडिसन को खुद पर विश्वास आया। उन्हें बचपन से ही लगने लगा कि वो कोई लूजर नहीं है, बल्कि एक विनर है। अगर एडिसन की माँ उस दिन उसे सच बता देती, तो शायद बचपन में ही एडिसन का विश्वास खुद पर से उड़ जाता और वो शायद कभी सफल नहीं बन पाते। अपनी टीचर की बातें अगर वो पढ़ लेते, तो वो खुद को हमेशा लूजर ही समझते। हमें खुद को और दूसरों को हमेशा अच्छी बातें बोलनी ही चाहिए और हमेशा उन्हें अपनी बातों के जरिए प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सके, कुछ अचीव कर सके और खुद पर विश्वास कर सके। अच्छी सोच और अच्छी बातें इंसान को हमेशा लाइफ में आगे रखती हैं। अच्छा बोलें, अच्छा सुनें और हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। इस दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। हम जो सोच सकते हैं उसे कर भी सकते हैं। हमें बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव बातें ना करें। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।